तो स्वागत है आपका अपने चैनल हैशटैग कार्स में। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ, मिनी कूपर कंट्री मैन डीजल। गाड़ी बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, वीडियो भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को ये गाड़ी और ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा गाड़ी की, इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी को मैं आपको चेक करके बताऊंगा इस वीडियो में, और इसके प्राइस बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये है मिनी कूपर कंट्री मैन डीजल, ब्लेजिंग रेड कलर की गाड़ी है। 2014 मार्च मंथ की रजिस्टर्ड गाड़ी है, 2014 मॉडल है ये, सिंगल ओनर गाड़ी है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन के साथ, डीजल इंजन है ये फ्रेंड्स, इमैक्युलेट कंडीशन में है गाड़ी। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है इसका, मार्च 2022 तक है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप गाड़ी चलाने की बात करते हैं तो आप 2024 मार्च तक चला सकते हैं, सन 2024 के मार्च महीने तक आप चला सकते हैं। उससे पहले एनओसी निकाल के अदर स्टेट्स में गाड़ियां बिक जाती हैं, क्योंकि काफी स्टेट्स में जो है 15 साल डीजल की वैलिडिटी दी गई है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि नंबर ऑफ कार्स दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा हैं और पोल्यूशन लेवल जो है वो काफी हाई हो गया, इसलिए सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकती हैं। एनओसी निकलने के बाद गाड़ी अदर स्टेट्स में चल सकती हैं, वहां पे रजिस्टर होकर। गाड़ी ये जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी है, रेड कलर की गाड़ी है, ब्लेजिंग रेड कलर इसको बोलते हैं। गाड़ी पे हल्का सा भी कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है, किसी तरीके का भी कोई डेंट नहीं है। एक बार 360 डिग्री व्यू आपको बाहर से दिखाता हूँ। इंटीरियर्स भी गाड़ी के बहुत ही नीट एंड क्लीन है। टायर्स आर ऑल्सो इन अ गुड कंडीशन। इंश्योरेंस भी आपका मार्च 2022 तक वैलिड है, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी आपको भी खर्च नहीं करना, टायर के ऊपर भी नहीं करना। गाड़ी सर्विस भी अभी रिसेंटली हुई है, सर्विसिंग के ऊपर भी आपको पैसा खर्च नहीं करना है। गाड़ी लेनी है आपने और चलानी है, और डीजल में ये बहुत ही अच्छी एवरेज देती है। ARAI जब इस गाड़ी की टेस्टिंग हुई थी, जो ARAI ने इसकी एवरेज क्लेम करी थी, वो थी 19.9 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। मैंने गाड़ी चलाई है, काफ़ी अच्छी एवरेज देती है, और मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए चलाकर भी लेकर आया हूँ यहाँ पे। गाड़ी मुझे मैकेनिकली भी बहुत अच्छी लगी है, वो मैं आपको एक टेस्ट ड्राइव के दौरान भी बताऊंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, जब मैं गाड़ी चलाकर लाया तो मैंने इनकी किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया था। AC पे मैंने ध्यान दिया था, AC इफेक्टिव है। स्टेयरिंग पे ध्यान दिया था, किसी तरीके की कोई नॉइस नहीं है। गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन माउंटिंग ठीक है गाड़ी की, इंजन माउंटिंग बल्कि अभी रिप्लेस हुई हैं, और शॉकर माउंटिंग भी गाड़ी की ठीक है, शॉकर्स भी ठीक हैं, सस्पेंशन भी ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन अ गुड शेप। अच्छी कंडीशन की गाड़ी है ये, छोटी की छोटी, तेज की तेज, रेड कलर की मिनी कूपर। एक गाड़ी आपके घर में हो सकती है, आपके फैमिली के लिए, मे बी अगर अपनी वाइफ को आप गिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए, या बच्चों को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए। ये मिनी कूपर की की है फ्रेंड्स, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट के साथ आती है गाड़ी। ये यहाँ पे हमें इंसर्ट करनी होती है बहुत ही तरीके के साथ में, वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अगर आप गलत इंसर्ट करेंगे इसको। तो ये गाड़ी ऑन हो गई है, हाफ सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। गाड़ी के इंजन की भी आप नॉइस सुन सकते हैं, प्रॉपर नॉइस है, किसी तरीके का कोई इंजन में किसी तरीके की कोई क्रैंकिंग नहीं है। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स सिल्वर क्रोम टच मिलता है मिरर्स के लिए और डोर ओपनर के लिए। ये देखिए, डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी लाइट जल जाती है। रात में इसमें बहुत सारी लाइट्स जलती हैं जो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई देंगी, जब हम टेस्ट ड्राइव लेंगे तब हम इसकी रात की लाइट्स भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे मिनी की स्कफ प्लेट्स मिलती हैं, ये मिनी की स्कफ प्लेट्स हैं, ये हमारी सनरूफ है फ्रेंड्स, सनरूफ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, किसी तरीके की कोई नॉइस नहीं है, किसी तरीके का कोई जर्क नहीं है। सिंगल टच के साथ सनरूफ ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बेज इंटीरियर्स मिलते हैं पिलर्स पे, और सामने ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, बेज कलर की सीट्स हैं। स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स मिलते हैं हमें, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड वॉइस कंट्रोल्स मिलते हैं हमें, क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे हमें फंक्शंस मिलते हैं, और ये ट्रिप्टोनिक वे में गाड़ी चलाने के लिए हमें यहाँ पे गियर्स मिलते हैं। ये गियर्स शिफ्टिंग होती है फ्रेंड्स, प्लस माइनस आप जैसे गाड़ी चलाना चाहते हैं। गाड़ी यहाँ पे हमें अपना, यहाँ पे गाड़ी RPM बताती है, यहाँ पे गाड़ी हमें RPM बताती है, और यहाँ पे हमें गाड़ी स्पीड बताती है। 260 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड दी गई है, ये 220-230 तक जाती है गाड़ी। यहाँ पे हमें रेंज भी बताती है कितना चलेगी गाड़ी। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आप ये देखिए, ये आर्मरेस्ट है, और ये इसका हैंड ब्रेक दिया गया है, मतलब हैंड ब्रेक जितनी बार भी पुल और इसे आप ऑफ करेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि आप कोई डिफरेंट चीज चला रहे हैं। यहाँ पे गियर्स मिलते हैं हमें, 6 गियर ट्रॉनिक गाड़ी आती है फ्रेंड्स ये, 118 BHP के साथ, 2000 CC का इंजन है इसका, 6 गियर ट्रॉनिक पावरफुल गाड़ी है अपने आप में। यहाँ पे हमें
एएम एफएम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और यहाँ सारे स्क्रीन पे हमें सारे फंक्शंस मिलते हैं। ये हम देखिए होम पर आ जाएंगे, यहाँ से रेडियो कनेक्ट हो सकता है, यहाँ सीडी है, यहाँ सेटिंग्स हैं, गाड़ी की सेटिंग्स हैं, आप किस तरीके की सेटिंग्स करना चाहते हैं, टाइम डेट टोन, ये आप टोन भी चेंज कर सकते हैं म्यूजिक सिस्टम की। उसके बाद में यहाँ पे कार की व्हीकल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ऑनबोर्ड व्हीकल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमें बताती है। गाड़ी में किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, 28 किलोमीटर अभी चल सकती है गाड़ी। और यहाँ पे हमें मिनी सर्विसेज के बारे में मिलता है, टेलीफोन कनेक्टिविटी मिलती है। जब रात में ये चलता है फ्रेंड्स तो बहुत अमेजिंग लगता है ये। यहाँ पे आप इसके बटन्स देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए लाइट के बटन्स दिए हुए हैं, ये एक लाइट का बटन है यहाँ पे सिल्वर क्रोम के साथ में, ये सेकंड लाइट का बटन है, ये भी लाइट्स के बटन है, पीछे सेंटर का लाइट का बटन है, ये एक और लाइट का बटन है पीछे का है, ये सनरूफ का बटन हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे ये ऊपर बटन्स दिए हुए हैं, पांच बटन ऊपर दिए गए हैं, सिमिलरली नीचे भी बटन्स दिए गए हैं, ये लॉक अनलॉक के लिए हैं, और ये आपका स्पोर्ट्स मोड में अगर आपको चलानी है, नॉर्मल मोड में आपको चलानी है, ये आपके हेडलाइट के डिम डिपर का यहाँ पर दिया गया अगर आपने हाई बीम पे करनी है गाड़ी। क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसके अंदर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आप इसको कर सकते हैं। एसी को यहाँ मोड्स दिए गए हैं एसी के, फैन की स्पीड के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा बटन दिया हुआ है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम और सीडी के लिए हमें दिया हुआ है। ग्लोब बॉक्स खोल के देखते हैं तो अंदर अच्छी खासी स्पेस मिलती है ग्लोब बॉक्स के अंदर, और आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट है गाड़ी में। गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मिनी कूपर 2014 मॉडल कंट्रीमैन डीजल, 2014 मार्च की गाड़ी है, 2024 मार्च तक आप इसे दिल्ली एनसीआर में आराम से चला सकते हैं, उसके बाद एनओसी निकाल के अदर स्टेट में गाड़ी सेल हो जाएगी। गाड़ी चली है 35,000 माइल्स के आसपास चली है, सिंगल ओनर है, डीजल इंजन है, इमैक्युलेट कंडीशन में गाड़ी है। इसमें फ्रेंड्स 2000 सीसी का इंजन आता है, फोर सिलेंडर इंजन है इसमें, डीजल इंजन 112 bhp जनरेट करती है गाड़ी, और गाड़ी का टॉर्क भी काफी अच्छा है, 270 न्यूटन मीटर टॉर्क है एट द रेट ऑफ 1750 आरपीएम ओनली। गाड़ी के जब एआरआई ने जो एवरेज क्लेम करता था जब ये गाड़ी आई थी तो 19.5 की एआरआई ने इसका एवरेज सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। गाड़ी का प्राइस है फ्रेंड्स 15 लाख रुपए फॉर माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑनलाइन इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है लेकिन जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर वीडियो देखकर गाड़ी खरीदेंगे उनके लिए 15 लाख रुपए का प्राइस है। तो चलिए दोस्तों एक टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। गाड़ी को मैंने आपको एक्सटीरियर से दिखा दी है, डिटेल्स बता दी है, इंजन स्पेसिफिकेशंस एवरेज वगैरह बता दी है गाड़ी की। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ है ये, 2022 मार्च तक वैलिड है इंश्योरेंस। गाड़ी की चाल में एक मतलब बिल्कुल फ्रेशनेस है, जैसे कहते हैं ना एक नई गाड़ी आप चला रहे हो, क्योंकि मिनी कूपर है, सिंगल ओनर है, जिस फर्स्ट कस्टमर ने गाड़ी ली होगी ऑफकोर्स उन्होंने गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा। फ्रेंड्स रोड प्रेजेंस मिनी कूपर की एक अपने आप में एक अलग ही है, हेड टर्नर मानी जाती है गाड़ी, जहां पे भी खड़ी होती है लोग मुड़के जरूर देखते हैं। गाड़ी में इतने सारे यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं आपको, सेटिंग्स हर तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे एक स्पीड लिमिट की भी आप वार्निंग सेट कर सकते हैं, अगर आप वो क्रॉस करेंगे तो गाड़ी आपको एक बीप देके वार्न करेगी कि आपकी स्पीड लिमिट आगे जा रही है। सेफ्टी को भी काफी ख्याल में रखा गया है, काफी अच्छा मल्टीमीडिया इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है, 6 स्पीकर्स के साथ आती है ये, एयरबैग्स भी गाड़ी के अंदर 6 हैं। गाड़ी सेफ भी है, छोटी भी है, डीजल भी है, ऑटोमेटिक भी है, सनरूफ भी है, सब कुछ मिल रहा है सिर्फ 15 लाख रुपए में। तो जल्दी से जल्दी प्लीज कॉल करिए फ्रेंड्स और इस डील को ग्रैब करिए। मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में अपने व्यूअर्स को ये बात जरूर बताता हूँ कि अगर आप इस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, आप सेल्स या मार्केटिंग में या अकाउंट्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब सर्च कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आपको जॉब कैसे सर्च करनी है और क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कहाँ तक जा सकते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर और आपकी एजुकेशन को देखकर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फ्रेंड्स जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लग्जरी सेगमेंट में आप करना चाहते हैं या एंट्री सेगमेंट या मिड सेगमेंट में। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि आपको कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए, कोई हैंड होल्डिंग मिल जाए, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाड़ी कहाँ से खरीदनी है, कितने की खरीदनी चाहिए, कैसे खरीदनी चाहिए, फिर उसको कैसे तैयार कराएं, फिर कैसे बेचें,
वो सब का एक पूरा मॉड्यूल है फ्रेंड्स, वो मैं वन टू वन कंसल्ट करूंगा जो व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर्स मुझे कॉल करेंगे उनके साथ में। काफी अच्छा और काफी पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, ग्रोइंग बिजनेस है ये। आने वाले टाइम में इंडिया में अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी तो और मार्केट में जो है जॉब्स और रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां आएंगी, फिर मार्केट में ज्यादा लोगों के पास में गाड़ियां होंगी। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं या मुझे क्या क्या इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशंस करने चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मुझे प्लीज कॉन्टैक्ट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग #cars। गाड़ी की मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ आपके सामने, बहुत इमैक्युलेट कंडीशन में, अच्छी चल रही है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे, थैंक यू।